हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले 15 सालों से ये सपना साई की तरह मेरे पीछे पड़ा है। ये फुटबॉल मैच उसके जिंदगी का आखिरी मैच होगा। यार ये रीयूनियन मैच का आइडिया बड़ा कमाल का है। हाँ यार है तो सही, पर क्या हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो पाएगी? हमारे सिर्फ 3 प्लेयर्स कम है। राजेश दो को बुला रहा है और मेरा एक दोस्त आने वाला है। ओए, ए, अरे, यार, आप तो नहीं मिला सकता क्या? रो क्या रहा है बच्चों की तरह, प्रैक्टिस कर, चल आ जा। इतनी अकड़ किस बात की तेरे में? ये ले, शुरू कर। स्टूपिड डिनो, ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा एक ही धुन में रहता है। किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू करते हैं। हमारे प्लेयर्स थोड़े कम हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है, वो आता ही होगा। दया, यही है तेरा दोस्त? हाँ दया। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये गेम हम ही जीतेंगे, लूजर्स। बॉबी, देखते हैं कौन जीतता है। ग्लैड टू सी यू ब्रदर। सॉरी यार लेट हो गया। नो प्रॉब्लम यार, आओ मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। अच्छा एक मिनट एक मिनट, जरा ध्यान रहे कि किसी को ये मत बताना कि मैं सीआईडी से हूं, नहीं तो सब लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। गाइस गाइस गाइस, ये है दया, ये हमारी फुटबॉल गैंग है। हाय। कुलदीप, विकी, डीनू, रे, बॉबी। हाय 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 एवरीबॉडी। अच्छा वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ यार, ये इस गेम में जरा नया हूँ तो थोड़ा संभाल के खेलना। अच्छा तो अब क्या तुम्हारे साथ बच्चों की तरह खेलना पड़ेगा? हो सकता है। वैसे देख के तो बच्चों जैसे लगते नहीं हो, काफी फिट हो, लेकिन लगता नहीं है हमारी टीम के सामने टिक पाओगे। मतलब वैसे भी ये गेम तो स्ट्रेटजी होती है, अगर सामने वाली टीम की कमजोर वीकर पॉइंट्स पता चल जाए और उसी पे हम लोग टारगेट करें तो मैच जीता जा सकता है। ओ, तो कहना चाह रहे हो तुम हमारी टीम से जीत जाओगे? नहीं मैं नहीं, मेरी टीम जीत जाएगी। अब वैसे भी जीत किसी एक इंसान की तो नहीं होती, टीम की ही होती है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बेट लगाते हैं, क्या कहते हो? I'm sorry, मैं चूहा नहीं खेलता। हाँ मैं चैलेंज जरूर देता हूँ कि मेरी टीम, मतलब हमारी टीम, तुम्हारी टीम को मैच में हरा जरूर देगी। Guys, let's go! यार इसके साथ मत लोच। प्रॉब्लम क्या है? बड़ा ही पागल और बदतमीज इंसान है। हाँ समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि तेरी और ट्रीना के सगाई के बाद ये तेरा फैमिली मेंबर हो गया। साई को डीनू होने दे तब ना। क्यों, बात क्या है? छोड़ना यार, बाद में बात करते हैं, पहले मैच खेलते हैं और इस डीनू को हराते हैं। Pass, 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 pass
आकाश इस तरफ बॉल कवर कर पास करना पीछे खेलेगा क्या पास बॉल पास बॉल आराम से आराम से आराम से पास की पास है कवर क्या करो यार सॉरी यार मुझे पता नहीं था तुम्हारे पैर इतने ढीले हैं। कोई नहीं। मगाइस, पास पास। तेरे भाई की प्रॉब्लम क्या है यार? इतना खड़ूस क्यों है वो? सबसे बदतमीजी के साथ ही बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं है। क्या वो ऐसा नहीं है? साफ दिख रहा है ग्राउंड पे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम बार बार उसकी उसकी साइड क्यों लेती हो जबकि वो खुद तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। ये बता कि तेरी एंगेजमेंट का क्या हुआ आकाश के साथ तेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई या फिर ट्रीना क्या हुआ तू रुक क्यों रही है ट्रीना देख सच सच बता बात क्या है मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी क्या एंगेजमेंट तोड़ दी लेकिन क्यों टीनो के कहने पर लेकिन आकाश तो उसका अच्छा दोस्त है फिर ऐसा क्यों ट्रीना कर रहे हो यार इनकी टीम से हारोगे आकाश की टीम से सबके सब इतने ढीले हैं यहाँ कटवाओगे क्या चलो भागो कमांड रे कमांड चलो पास करो कवर कर अरे पास कर एरन पास कर रे यार क्या कर रहा है बोल ले उससे पास ले गेम पे ध्यान दे गेम पे तुम ठीक हो आई एम फाइन फाइन प्रॉब्लम क्या तुम्हारी गलती उसकी है गेम पे ध्यान नहीं है उसका ये गेम तुम इस तरह से क्यों खेल रहे हो चैलेंज जीतने के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड अ फुटबॉल गेम चलो गाइस इनका तो चलता रहेगा इसकी तो मत छोड़ू दे रहने दे यार उसे इट्स जस्ट अ फ्रेंडली गेम अरे कौन सा फ्रेंडली गेम है ये बदतमीज आदमी बात करने का तरीका नहीं इसे आई नो बट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट लेट्स जस्ट प्ले चल खेलते हैं यार कम ऑन ठीक है तू दिखता नहीं है क्या गया तू ठीक तो अरे चलो चलो सब लगा रहता है मैं ठीक है तू शुरू कर यार टाइम नहीं है खेलना नहीं आता कहाँ से आ जाते हैं आकाश यार किसको ले आता है तू वरना तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं छोड़ उसे क्या कर रहा है तू मर जाएगा बच्चा है वो यार ठीक है ना तू डीनो क्या हुआ डीनो डीनो ले पानी डीनो 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 थोड़ा सा और डीनो क्या हुआ डीनो यार डीनो डीनो पानी पी तू बोतल कहीं का खेला नहीं आता हाथ उठाता देख लूँगा तुझे ये कटर है ये ऐसे नहीं मानेगा यार रुक रुक दया छोड़ से रुक क्या कर रहा तू दया छोड़ उसे दया मर जाएगा छोड़ उसे
मुंह बंद नहीं करेगा तू? आकाश यार संभाल ले अपने दोस्त को। दया क्या कर रहा है तू यार? देखा नहीं कैसे बिहेव कर रहा है वो आदमी? तूने उसका गला ही घोट दिया यार, मर जाता हो तो। अरे कुछ मत बता, नहीं ड्रामा कर रहा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। डीनो, डीनो, डीनो। डीनो, डीनो। डीनो। अरे क्या हो गया तेरे को? ये तो मर गया। अरे मार दिया इसने यार। Dino, 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 you fine? Dino, Dino, उठ यार, Dino यार, Dino क्या हुआ तुझे? यार, क्या हुआ Dino? Dino, 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 मर गया? दया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ, एक सीआईडी ऑफिसर है, सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या क्या मतलब तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? फिर तो मिल गया जस्टिस। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब साफ है, ये तुम्हारा आदमी है और खून करने के बाद सरेआम छूट जाएगा। क्या? दया? दया ने मारा है इसको? हाँ। इसी ने मारा है मेरे भाई को। पहले उसका गला दबाया और फिर उसे पानी के टब में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पर ये तो सीआईडी ऑफिसर है ना, आराम से बच के निकल जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें प्लीज पहले इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? अरे इस आदमी ने हम सबके सामने मारा है डीनो को, कम से कम 20 लोग गवाह हैं। देखिए पहले हमें हमारा काम करने दीजिए। सर अब क्या काम, अब तो ड्रामा होगा आपका। देखिए दया ने हमें कॉल नहीं किया, आप लोगों ने किया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा आदमी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन विश्वास कीजिए हम यहाँ ड्यूटी करने आए ना कि दोस्ती निभाने। हमें आप लोगों पे विश्वास नहीं है। हमें काम करने दीजिए। क्या लगता है सर? अभिजीत ये देखो, इसके गर्दन पर यहाँ उंगलियों के निशान है और ये बहुत गहरे निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो और इतनी जोर से दबाया हो कि उसके नाखून इसके गले पर लग गए। ये देखो, और ये देखो, इसके लंग्स में भी पानी भर गया है। और एक बात और, ये देखो, ये यहाँ इसके सर पर ये बालों के अंदर कुछ खरोंच के निशान है। अभिजीत ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हाँ वो थोड़ा। तारिका I'm sorry, दया, मुझे तुम्हारे हाथों से डीएनए के ट्रेसेस लेने पड़ेंगे। मगर ये सब क्यों? या तुमको मालूम है जो हमें करना वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोसीजर है।
अभिजीत, ये सारी चीजें तो दया की तरफ इशारा कर रही हैं। सॉरी यार, तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। रेडी? दया सर को सर, आप लोग बॉडी फॉरेंसिक लैब ले जाइए। आप लोग भरोसा रखिए, हम इस केस को सॉल्व करके ही दम लेंगे। सॉल्व क्या करना है? सब जानते हैं कि आपके ऑफिसर ने ही मेरे भाई की जान ली है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब आपके ऑफिसर को फांसी मिलेगी। ये क्या कर दिया यार तुमने? मैंने क्या किया? मैंने अपना आपा खो दिया, लेकिन उस आदमी को मैंने नहीं मारा। यार उसके गले पे गहरा निशान है। तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने उसे मार दिया? तुम्हें अपनी ताकत का पता है? एक तो तुम गुस्से में थे, दूसरा फुटबॉल खेल रहे थे जो अपने आप में एग्रेसिव गेम है। हाँ, वो बार बार फाउल कर रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था, गिरा रहा था मुझे वो। तो अपना आपा खो दोगे? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो यार, कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हारे जैसा ताकतवर आदमी अगर किसी को गले से पकड़ ले तो उसका बचवाना आसान नहीं है। और तुमने उसको यहां से पकड़ा था, यहां से। तुम जानते हो यहां दबा देंगे तो सांसों को तोड़ा जा सकता है। अब गुस्से में हुआ हो या अनजाने में, तुम्हारे हाथों एक खून हो गया है। रिपोर्ट के हिसाब से इसके पेट में पानी भी है और एनर्जी ड्रिंक भी है। हाँ सर, टब का पानी और एनर्जी ड्रिंक। गॉड, क्या हुआ? सर इसके पेट में मुझे एक ड्रग के ट्रेसेस मिले। ड्रग के ट्रेसेस इसके पेट में? हाँ सर, ये देखिए। इसके पेट में ये ड्रग? हाँ सर, और इसके मुंह और गले में भी इसी ड्रग की कोटिंग मिली है। इसका मतलब ये बात इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट देगी। एग्जैक्टली। हेलो अभिजीत। नमस्कार, इस वक्त मैं डेनो के घर पर हूँ। डेनो, जिसकी मौत सीआईडी के ऑफिसर दया के हाथों हुई है, आइए उनकी बहन से बात करते हैं। ट्रीना, आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है आपको? आपको क्या लगता है, मेरे भाई का कातिल एक सीआईडी ऑफिसर है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी सीआईडी वाले ही कर रहे हैं, मुझे इंसाफ मिलेगा? तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपने ही आदमी के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण सीआईडी ये पूरा मामला पलट देगी और किसी और पे ये इल्जाम लगा देगी? बिल्कुल, और इसलिए ही मैंने अपने लॉयर को साथ रखा है। तो क्या आप कोर्ट से अपील करेंगी? सीआईडी आपसे मिलना चाहती है। आने दो। ट्रीना, मैं आपकी और सीआईडी की बातों को रिकॉर्ड कर सकती हूँ प्लीज? जरूर। कहाँ तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? चल रही है, उसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। ओपन एंड शट केस है, आपके ऑफिसर ने मेरे भाई की जान ली है, इसमें क्या इंक्वायरी करनी है आपको? देखिए, डिनो ने हाल ही में कोई डेंटल चेकअप करवाया था या उसका कोई ईएनटी प्रोसीजर हुआ हो? जी हाँ, 3 महीने पहले ही उसने रूट कनाल किया था। नहीं मैम, 3 महीने पहले नहीं,
आज सुबह गेम से पहले। नहीं, लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग ये सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इन्हें टाइम मिल जाए और ये कोई बहाना ढूंढ ले अपने ऑफिसर को बचाने का। देखिए, हम ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डीनो के मुंह और पेट से हमें एनेस्थेसिया के ट्रेसेस मिले जो जो ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं। सुना आप लोगों ने? अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई को उस डेंटिस्ट ने मारा है। जी नहीं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसी ड्रग की वजह से डीनो की मौत हुई है और हमें ये ढूंढना है कि ये ड्रग उसके पेट में आया कहां से। गेम शुरू होने से पहले या उसके आसपास डीनो ने कुछ खाया था, कुछ पिया था? एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, जहां तक मुझे याद है डीनो अपनी बॉटल से एनर्जी ड्रिंक ही पी रहा था। एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, मिली वो बॉटल, वो ड्रग वाली? नहीं अभिजीत, अभी नहीं। कमाल कर रहे हो सर आप। क्यों, टाइम कहाँ है हमारे पास? मतलब? अरे सर, सब लोग पीछे लगे इस केस के, वो फैमिली वाले मीडिया वाले लगे हुए दया को गुनहगार साबित करने के लिए और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास कर रहा हूँ मैं? टाइम पास कर रहा हूँ? कमाल कर रहे हो यार, हर बोतल को चेक करना पड़ता है और तुम एक बोतल की जगह 25 बोतल ले आए हो। अरे तो जितनी बोतल थी सब लेके आएंगे ना सर। हाँ तो हर बोतल को चेक करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ तो वो भी मैं भी। अभिजीत प्लीज सर, क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त दया की करियर, उसकी पर्सनल जिंदगी सब कुछ दांव पर है जो सिर्फ इस टेस्ट से सॉल्व होगी ना कि आपकी बहस से। हाँ तो करो ना भाई। वही तो कर रहे हैं ना भाई। कम करेगा, इस एसिड की एक एक बूंद हम इन सारे ड्रिंक्स में डालेंगे और जिस किसी ड्रिंक में वो एनेस्थीसिया होगा वो अपना कलर बदल देगी। डीनो की बॉटल। चलो ये तो साफ हो गया, दया ने डीनो की जान नहीं ली है, डीनो की जान इस ड्रग्स की वजह से गई है। अब पता ये लगाना है बॉटल में ये ड्रग मिलाया किसने। तो अब कौन सी नई कहानी बताने आए हैं आप लोग? टीना जी, जो आपने देखा वो डीनो की मौत का कारण नहीं था। अच्छा, सुनाइए फिर आपकी कहानी। डीनो की मौत की वजह इस बॉटल में। क्या? मगर ये बॉटल तो प्लीज। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप इस बॉटल के बारे में? हमें डीनो के पेट से जो ड्रग्स मिले हैं वो किसी ने डीनो को इस एनर्जी ड्रिंक में मिला कर दिए थे। और डीनो के दोस्तों के हिसाब से डीनो लगातार इस बॉटल से पानी पी रहा था और गार्गल भी कर रहा था। ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एनेस्थेसिया से कोई भी एरिया सुन्न किया जा सकता है, यहाँ का भी, गले के पास, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है ना, सीधा सीधा साफ साफ लब्जों में कहिए। ये बायोलॉजिकल। शांत हो जाओ और उन्हें कहने दो जो वो कहना चाहते हैं। आकाश तुम तो चुप ही रहो, ये जो कुछ भी हुआ है ना सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही वहां तुम दया को खेलने के लिए बुलाते और ना ही ये सब होता था। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? अगर आप बायोलॉजी के बारे में जानती हैं तो आपको पता होगा कि एपिग्लॉटिस क्या करता है। अगर खाना या पानी पिया जाता है तो वो विंड पाइप्स को कवर कर देता है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच सके। और अगर वो सुन लो तो काम नहीं करता है। और जब दया ने गला दबाया तो पानी सीधा सीधा उसके लंग्स में चला गया जिसकी वजह से डीनो खांस रहा था। और उसके बाद वो पानी में गिर गया जिसकी वजह से उसके लंग्स में और भी पानी भर गया। नहीं मैम, वो गिरा नहीं, उसे गिराया गया था। आप ही के ऑफिसर ने उसे धक्का दिया था। लेकिन मैडम, धक्का देने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है, मौत ड्रग की वजह से हुई है जो इस बॉटल में था। तो आपका कहने का मतलब है कि जिसने भी उसको ये एनर्जी ड्रिंक दी वो कातिल है? बिल्कुल। वाओ, इंटरेस्टिंग। सीरियसली, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन को तो मानना पड़ेगा। क्या बात है,
आपके हिसाब से मैंने खुद अपने ही भाई को मार दिया? क्या ये बॉटल तुमने? बिल्कुल, मैंने ही वो बॉटल दी थी। दीनू अपने खाने पीने को लेकर बहुत केयरफुल था। वो मेरे और मॉम के अलावा ना ही किसी के हाथ से कुछ खाता था ना पीता था। तो अब आपके पास कोई और नया प्लान है या मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, कुछ नया दिमाग में आया तो है। क्या? तो आपका कहना है कि ये बॉटल आपने डीनो को दी थी ना? जी बिल्कुल। लेकिन इस बॉटल पे हमें सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, बॉटल वही यूज कर रहा था। तो आपके फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? अगर आपने ये बॉटल डीनो को दिया था तो इस बॉटल में आपके भी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए ना? अब ये नया बहाना है ना इन्वेस्टिगेशन रोकने का? मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि पानी में फिंगरप्रिंट्स धुल जाते हैं। अगर सारी बॉटल्स वाटर टब में थी तो किसी के भी फिंगरप्रिंट्स कैसे मिल सकते हैं उस पे? ट्रीना जरा यान। इस क्लास में अभी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, आप जरा इसे होल्ड कीजिए। इसे क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पानी में फिंगरप्रिंट्स नहीं धुलते। भी जरा किट लाना। सर। आपने कैसे आपकी उंगलियों के निशान इस ग्लास पे आ गए? जब भी आप किसी चीज को छूते हैं तो आपके हाथों पे लगा हुआ ऑयल आपके हाथों की लकीरों के साथ फंसकर किसी भी चीज पे उतर आता है। और ये जो निशान आपकी उंगलियों से बने, ये पानी में भी नहीं धुलते। आपकी उंगलियों का ऑयल फिंगरप्रिंट्स बनके हमेशा रहता है। तो अगर आपको इस बॉटल पे सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, ये वो बॉटल नहीं है जो तुमने टीनो को दिया था। किसी ने उसे इस ड्रग वाली बॉटल के साथ बदल दिया है। बॉटल कब दी थी टीनो को तुमने? मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले बस। टीनो ने वो बॉटल कहीं छोड़ी थी? नहीं, टीनो अपने चीजों को लेके बहुत केयरफुल था। मैंने चेक किया था गोल पोस्ट पे भी, जब वो था तब भी बॉटल उसके पास ही थी। इसका मतलब उसी समय गेम के बीच में किसी ने वो बॉटल बदल दी, तभी गोल पोस्ट के पास। यार अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? अब तो सब साफ हो गया है, तुमने कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ ड्रग्स की वजह से हुआ है, मालूम है ना? पता है अभिजीत, पता नहीं क्यों मुझे, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं यार। ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूं, और मुझे पता है कि मैं दोषी क्यों हूं, क्योंकि मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया अभिजीत, एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं फेल हो गया। उस आदमी ने बदजुमानी की और मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने रिएक्ट किया अभिजीत। मैं भूल गया कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, और उस वक्त तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मैंने उसका गला दबाया था, ये सोच के कि मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या यार दया तुम तो, क्या सवार हो गया था अभिजीत।
कॉलेज में बहुत वायलेंट हुआ करता था मैं, बहुत गुस्से वाला आदमी था, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े वगड़े किए, पर सीआईडी में आने के बाद मुझे लगा कि ये सब बदल गया है, मैं शांत हो गया हूँ। पर वहाँ उस ग्राउंड पे जब उस आदमी ने बदजुबानी की, वो सुन के मैं आपे से बाहर हो गया, और मुझे इसी बात का गुस्सा है कि मैंने अपना कंट्रोल क्यों खोया, मैंने वैसे रिएक्ट क्यों किया। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। कहते हैं भाई, जब दिल की बातें कह दो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, समझे? जो हुआ सो हुआ। अभी आ जाओ वापस ड्यूटी पे, केस सॉल्व करना है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, आ जाओ। क्या मैदान में इन प्लेयर्स के अलावा कोई बाहर का भी आदमी था? नहीं। और हर टीम में 8-8 लोग थे, 16। हाँ, अगर बॉटल बदली गई है तो इनमें से किसी ने किया है। कि टीम में कौन कहाँ पे था, मतलब किस पोजीशन से खेल रहा था, कुछ याद है? मेरी टीम का गोलकीपर था प्रीतम, और हमारे डिफेंस में खेल रहे थे सुरेंदर, अजय और दीपू। मिडफील्ड में थे चार्ल्स और राजेश, और मैं और आकाश हम लोग फॉरवर्ड खेल रहे थे। तीनों के टीम में फॉरवर्ड खेल रहे थे बॉबी और सैम, मिडफील्ड में खेल रहे थे प्राइड और नितिन, और डिफेंस में विकी, रे और कुलदीप, और तीनों गोलकीपर और कैप्टन था। अच्छा, इन प्लेयर्स में से ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जो तीनों के पास, यानी गोल पोस्ट के पास ज़्यादातर समय रहते थे या जाते थे वहाँ तक? ये कुलदीप, रे और विकी, ये तीनों गोल पोस्ट के पास में ही रहते थे, डिफेंस में थे। और इन तीनों के अलावा मैं, आकाश और कभी कभी ये चार, हम लोग पोस्ट पे जाते थे अटैक करने के लिए। 6 लोग थे जो गोल पोस्ट तक जाते थे, 5 सस्पेक्ट हैं इनमें। ये चार्ल्स जो है, ये चार्ल्स क्या लगता है इसके बारे में? चार्ल्स राजेश का दोस्त है, और वो भी मेरी तरफ मैच खेलने आया था, वो तो दिनों को जानता भी नहीं है। ये आपका दोस्त आकाश? नहीं फ्रेडी, आकाश ऐसा नहीं है। सर, लेकिन आकाश के पास एक कारण तो था दीनो को मारने का। हाँ, दीनो के कहने पे उसकी बहन ट्रीना ने इससे एंगेजमेंट तोड़ी थी, गुस्सा तो हो गई वो। मैंने एंगेजमेंट तोड़ी, लेकिन क्यों? दीनो के कहने पे। और ये रे, विक्की और कुलदीप, इनका क्या, इनकी कुंडली क्या है? सर, ये तीनों दीनो के बहुत पुराने और खास दोस्त है सर। जब वो लड़ाई झगड़े के बाद दीनो खांस रहा था, तो सबसे पहले पानी किसने दिया था उसे? मतलब यार, वो दीनो का गला तो ड्रग्स की वजह से सुन्न हो गया था, उसके एपिग्लॉटिक्स ने काम करना बंद कर दिया था, तो जैसे ही वो पानी पीता, पानी विंड पाइप से उसके फेफड़े में चला जाता, चोक होके वो मर जाता, जो खूनी चाहता था। तो पानी किसने दिया उसको? कुलदीप और रे। हाँ सर, हम लोगों ने पिलाया था, और हम तो उसकी मदद कर रहे थे। अब सर, ऐसी हालत में देखकर भी कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब किसी को पानी पिला तो क्या गलत किया सर? क्योंकि उसी पानी से दीनो की मौत हुई है। तो आपको क्या लगता है, हमने मारा उसे? हाँ सर, मतलब हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे? क्योंकि दोस्त, हमें पता चल चुका है कि तुम दोनों दीनो से बहुत नफरत करते थे, और अभी से नहीं, स्कूल के टाइम से। ये तेरा रिकॉर्ड है स्कूल का, पता चला तुम लोगों को बहुत परेशान करता था वो, बहुत सताता था। ये सच कह रहे कि आप बचपन में हमें बहुत सताता था, और बहुत चिढ़ाता भी था सर, और कई बार उसने हमें पूल में डुबाया था। लेकिन सर, बड़े होने के साथ साथ ये सारी चीजें ठीक हो गई थी, बहुत शांत हो गया था, और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी था सर। जी सर, उसके बाद तो हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, और
हमने तो उसे तड़पता देख के उसकी मदद करने की कोशिश की, इसीलिए उसको पानी दिया था ताकि सर वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ सर, जैसी उसकी हालत थी ना, कोई भी उसे पानी पिलाता, हमने भी वही किया, हम बस उसकी मदद करना चाहते थे सर। बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ। हो सकता है ये लोग सही कह रहा हूँ, डीनो को ड्रग्स तो पहले ही दी जा चुकी थी, वो कुछ भी खाता पीता तो जान तो जानी थी उसकी। शायद खूनी को ये बात पता थी इसीलिए उसने अपने हाथों से पानी नहीं दिया उसे। मतलब अगर मैं वहाँ नहीं जाता, यानी कि ये झगड़ा नहीं भी होता, तो अभी उसे मारना ही था पानी पीते ही। ठीक कह रहा हूँ, कोई और ही है या फिर से याद करो वो, अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करो। जब वो पानी पिलाया उसको डीनो को, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ जब वो गिरा और उसके बाद मर गया? ठीक से सोचो क्या हुआ था। याद आया, अभिजीत याद आया। क्या? जब मैंने तीनों को धक्का दिया उसके बाद ये लोग मुझे घसीट के दूसरी तरफ ले गए। अब कुछ सेकंड बाद जब मैंने पलट के देखा तो ये तीनों टब में गिरा हुआ था और वहां पे एक आदमी खड़ा था, टब के पास खड़ा था। हाँ, वो तो उसको बचाने गया होगा ना। हाँ, मगर 3-4 सेकंड तक तो वो वहीं खड़ा था, उसके बाद उसने उसे निकाला। अच्छा, तो वो चाहता था कि डीनो पूरी तरीके से डूब जाए। कौन था वो, कुछ याद है? हाँ जी याद है। क्यों किया तुमने ऐसा बिके? मैंने नहीं सर, आपने मारा गला दबाकर। क्यों मारा तीनों को? क्या हुआ सर, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मैंने खुद देखा था, आपने मारा था उसे पानी में डुबोकर। सर 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 छोड़ दो सर, सर पानी 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 सर पानी से डर लगता है सर, सर सर प्लीज सर छोड़ दो सर 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 सर। ये तीनों को पानी में डुबाने से पहले सोचना चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हो सर, सर उसने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बोली गया था सर, सर आप भड़क गए थे सर, सर आपने उसको गला दबा दिया था सर, सर मुझे तो सर सालों से परेशान कर रहा था सर, सर प्लीज सर, सर आप बताइए मैं क्या करता सर, सर आप भी तो वही कर रहे हो सर, सर आप भी तो मेरे डर से मुझे मिला रहे सर, सर सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। दया ना तुम्हें डरा रहा है ना मार रहा है, मारना होता तो अभी तुम पानी के अंदर होते, समझे? गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, अगर तुमने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो आज डीनो जिंदा होता। डीनो ने तुम्हारा बचपन में रैगिंग किया था तो 15 साल तक उस बात को लेकर तुम परेशान रहे, हाँ? और तुम्हें डीनो को मार दिया तो उसकी बहन और उसकी माँ पर क्या गुजरती होगी ये कभी सोचा नहीं तुमने? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और वो बॉटल तुमने कब एक्सचेंज की? कवर कर, कवर कर आगे।
क्या कर रहा है यार? गार्डन में घूम रहा है क्या? Hey, come on, guys! कैसा लग रहा है डीनो? मजा आ रहा ना डीनो? चल एक गेम खेलते हैं, देखता हूं कि तू कितनी देर तक सांस रोक सकता है अपनी, है? I'm really sorry. मैंने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया, पर मैंने जो देखा मैंने वही कहा. After all, मैंने मेरा भाई खोया था. जैसा भी था, मेरा भाई था. हाँ, पर उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी जान चली गई. कितने लोग परेशान हुए. 15 मिनट की बचकानी हरकत और किसी के लिए जिंदगी भर की सजा. और ऐसा ही होता है हर उस इंसान के साथ जिसके साथ कभी ना कभी ये रैगिंग हुई होती है. या तो वो आत्महत्या कर लेता है या खूनी बन जाता है, जैसे विकी. और हाँ, आपके इस कैमरे के जरिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के साथ रैगिंग बुलिंग ना करें, प्लीज. रैगिंग इलीगल है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है. आप बिना वजह किसी को परेशान ना करें, सिर्फ दोस्त बन के रहिए. दोस्त. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.